तीन साल में एक बार सभी राज्यों के हमारी स्टेट कॉन्फ्रेंसेस हुआ करती है। इस साल अब तक 6 राज्यों की कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी हैं, शुरुआत केरल से हुई। अब आने वाले अगस्त माह में 2 प्रदेशों की कॉन्फ्रेंसेस हैं। एक है छत्तीसगढ़ की रायपुर में 19 और 20 अगस्त को, और 20 अगस्त को ही कॉन्फ्रेंस दिल्ली प्रदेश की भी होने जा रही है। दिल्ली प्रदेश की कॉन्फ्रेंस की जो रिव्यू है प्रिपरेशंस का, उस दृष्टि से आज शाम दिल्ली में मीटिंग भी है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि और राज्य सहकारिता मंत्री राधा मोहन सिंह जी आएंगे, उसी के साथ साथ हेल्थ मिनिस्टर जयप्रकाश जी नड्डा जो हैं, जेपी नड्डा, वो भी इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। साधारणतः 800 प्रतिनिधि दिल्ली के सभी पार्ट से और अलग अलग प्रकार की सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि इस अधिवेशन में उपस्थित रहेंगे। कुछ खास एजेंडा है सर इसका? एजेंडा तो हम कहेंगे कि हम पूरे देश में इस कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से हर एक राज्य अपनी कोऑपरेटिव पॉलिसी बनाए, डिक्लेयर करें, और जो अपना स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट है वो 100 साल लगभग पुराना हो गया है, तो आज के परिप्रेक्ष्य में उसको रीराइट करें। ये 2 इश्यूज हम इस कॉन्फ्रेंस में हम लेंगे। साथ साथ एक हमारी और भी इच्छा है कि नड्डा जी आ रहे हैं तो उनके सामने एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, पर्टिकुलरली प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के बारे में हम एक छोटा सा प्रेजेंटेशन उनके सामने कहें। यदि ये स्कीम अप्रूव होती है, इम्प्लीमेंट हम कर पाते हैं, तो मैं मानता हूँ कि देश के दृष्टि से, गरीब जनता के दृष्टि से वो बहुत बेनिफिशियल होगी, उस दृष्टि से हम प्रयास कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की कॉन्फ्रेंस में सभी राज्य के जिलों से प्रतिनिधि आएंगे, मैं मानता हूँ उसमें भी बड़ी संख्या रहेगी। और इस अधिवेशन में हमारे चुनाव भी होंगे, चुनाव इस अधिवेशन